guys, good morning. Morning? No, not morning, normal. अभी साढ़े बारह बज रहे हैं और आज है 6 अप्रैल मंडे और मैं एक करामती करने जा रही थी। एक्चुअली मैंने अपने बाल को थोड़ा सेटिंग वेटिंग किया, यानी कि नहीं होता है खाली दिमाग शैतान का घर नहीं है, कुछ ना कुछ करने का मन लगता है कि अभी कर लूँ, बाद में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ जीने लगूंगी। हम मतलब लाइफ जी रही हूँ गाइस, बट वो आज़ादी नहीं मिल रही है ना, सारे शॉप नहीं खुले हुए, सब बंद है, क्या करना। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैं आपको दिखा दूँ, ये बाल का जो आप लेंथ देख रहे हो थोड़ा छोटा किया, ये इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा था हाँ, और मैंने उसे स्ट्रेटली यानी कि सीधा कैंची ऐसे चलाया और इसको ऐसे चलाया स्ट्रेट, और सामने का जो पोजीशन देख रहे हो उसको ये ऐसे ही लेंथ में था, और इधर का जो आप देख रहे हो ये वाला, ये मैंने अभी जस्ट कट किया। इसको कैसे कट किया गाइस, इसको जैसे हम लोग मांग फाड़ते हैं साइड से, तो साइड से यहाँ से कंघी मैंने लेकर ऐसे करके और ऐसे थोड़ा सा बाल अपना निकाल लिया, ताकि इधर साइड में लेकर मैं मांग झाड़ू, मतलब इस साइड अगर बाल मैं करती हूँ और इस साइड जो बाल करती हूँ उसका एक स्ट्रेट जो लकीर होता है, अभी इधर मैंने किया है, तो लेकर मैंने उसको एक साथ उसको कट किया है, तो ये भी एक काम हो गया। तो बाल को मैंने कटिंग इसलिए किया, और मैंने जब लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं थे, जब सारे शॉप खुले हुए थे, तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने पार्लर का वीडियो दिखाया, जिसमें मैंने खुद जाकर पार्लर में जाकर बाल कटिंग शटिंग करवाई, अच्छा लगा। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कि मुझे बाल थोड़ा काटना है, थोड़ा काट के देखती हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। अभी आप लोग कहोगे कि मुन्मुन जी आपने मुझे हम लोगों से शेयर क्यों नहीं किया, मैं अगर शेयर कर लेती मैं सोचिए सब गड़बड़ हो जाता मेरे बाल के साथ, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। एंड मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं किसी चीज़ में भी, बस ट्राई करती रहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, कितना बेस्ट दे सकती हूँ। सो गाइज, लंच मैंने बना लिया है, और एक बार बता देती हूँ, लंच में आज मैंने फिश बनाया है, बड़ा वाला फिश, काफ़ी दिन के बाद फिश मिला। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब अगर सब्जी भी लेने जा रहे हैं ना तो ताज़ा सब्जी दिख नहीं रहा है, और जो मिल रहा है अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, मतलब चुनना नहीं है किसी चीज़ को, सब्जी वगैरह चुनना नहीं है, चुनने अगर लग जाएंगे तो उसमें भीड़ लगेगी और हमें डिस्टेंसिंग से चलना है, सारे जो जो नियमों का पालन करना है, तो इसलिए कोई सब्जी चुनना नहीं है। और सब्जियों का रेट काफ़ी हाई है, जो कि सच कहूँ पॉसिबल नहीं है। अगर जिसके पास पैसा है, मान लीजिए रखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हालत हो गया कि पैसा रहने के बावजूद भी हम ललायत हैं खाने के लिए, मतलब नहीं मिल पा रहा है, मजबूर हैं, ऐसा हो गया है, तो इससे पता चलता है भाई भूख क्या चीज़ होती है, खाना क्या चीज़ होता है। सो बहुत गर्मी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप है, और ज़्यादा देर तक बात करना पॉसिबल नहीं है। चेहरे का हालत अभी भी ठीक है, आप देख रहे हो चेहरे का हालत अभी भी ठीक है। सो मैं चलो भाई थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करती हूँ, थोड़ा मैंने अपने जो बाल को कट किया है वो थोड़ा शेयर करती हूँ। अगर ये बाल मतलब अगर मैं स्ट्रेट भी करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, पीछे से मैं दिखा रही हूँ आपको, दिख रहा है आप लोगों को गाइस? सो ये है ना जो लाइट यू है, मतलब डीप यू मैंने नहीं किया है, पहले जो था वैसे ही, अगर आप स्ट्रेट काटोगे तो इस तरह ही लगेगा बाल, बस मैंने लेंथ को छोटा किया है, हाँ यही दिमाग लगाया है और कुछ नहीं किया है। सो अभी टाइम नहीं हुआ है लंच करने को, जब लंच करने का टाइम होगा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ लंच। फिर बात करते करते आप लोग देख रहे हो कि बहुत बहुत गर्मी है, पसीना हो जा रहा है, सारा मेकअप की धज्जियाँ उड़ जाएगी। खैर मैंने मेकअप किया नहीं है, घर बैठे बैठे कितना मेकअप करें, कुछ नहीं किया है, बस आप लोगों के साथ बात करने का मन करता है, बात करने चली आती हूँ। एंड चलो अभी जल्दी से फटाफट और कुछ काम कर लेते हैं, फिर लंच दिखाती हूँ, उसके बाद आज हेयर ऑयल भी करूँगी, बाल काटी हूँ लेकिन कल शैम्पू किया था गाइस, आज सच मैंने शैम्पू नहीं किया है, लेकिन इस गर्मी में आप
पोजिशन क्या है चेंज। विंटर में अगर आप सप्ताह में एक बार शैम्पू करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर समर में इस गर्मी में शैम्पू मेरे ख्याल से 7 दिन में 3 बार यानी 3 times शैम्पू करना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके बाल मतलब स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे बाल, और आज मैं हेयर ऑयल करूंगी रात को फिर कल शैम्पू करूंगी, और दूसरा रीजन है आपको अच्छी नींद आएगी। मेरी बात मानिए, सच बोल रही हूँ, आपको अच्छी नींद इसलिए आएगी क्योंकि अगर आप बाल को सामने की तरफ थोड़े से पानी लगा देते हो कि नहीं, नहाने के टाइम आप डेली वॉश नहीं करते हो, या फिर ऐसे ही सामने की तरफ यहाँ पे बाल को जस्ट ऐसे नहा लिया, पानी दे दिया, पूरा बाल नहीं भिंगाया, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, मतलब बालों में पसीना ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप बाल को डेली शैम्पू भी करते हो या सप्ताह मतलब वीक में 3 बार करते हैं शैम्पू और अच्छे से बाल को साफ रखते हैं और पानी देते हैं बाल को अच्छे, तो हेल्दी रहेंगे, ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे। तो वही मैं करती हूँ, आज बहुत ज़्यादा बाल खुला नहीं रखा जा रहा गाइस, सॉरी। चलिए आप थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को अभी जस्ट लंच को थोड़ा शेयर करूँगी, फिर शाम को आपके पास फिर बातें करूँगी, फिर कुछ प्रोग्राम है शाम को डिनर का, तो वो प्रिपरेशन करना, वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी कुछ भी शेयर करूँगी ना गाइस, वो हमारे घर में अवेलेबल होनी चाहिए, आप एक्स्ट्रा बाहर में कुछ आप खरीद नहीं सकते हो, आपको घर में वो अवेलेबल होने चाहिए। और मेरी स्थिति परिस्थिति थोड़ी खराब है, क्यों है वो धीरे धीरे मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में हंसते हुए गुजारना है, ये जिंदगी का फंडा है। चलिए लंच को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस, ये रहा आज का हम लोग का लंच। पहले मैं बता दूं, चावल है और ये वाली बड़ी वाली फिश, आज बहुत दिन के बाद ये फिश आया है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे इस लॉकडाउन पे, बहुत बुरा हालत है, और खाने का वैल्यू पता चल गया गाइस। जो फिश हम लोग एक टाइम ही फिनिश कर लेते थे वो 2 टाइम ही हम लोग को खाना पड़ रहा है। और यहाँ पे है ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आलू का जो छिलका होता है उसका ये पकौड़ा है, और बहुत अच्छा टेस्ट भी, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन की वजह से खा रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने पहले ही बनाया था लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया है, कुछ नहीं फेंका जा सकता है। और ये है धनिया पत्ता का पकौड़ा बस, और प्रथम के लिए फिश फ्राई रखा है। सो गाइस, ये आज का लंच है, तो लंच करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग। सो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे दही बड़े बनाना लेकर प्रभु का नाम। हाँ वही तो, बैठे बैठे क्या करे, लेकिन अभी मैं बनाऊंगी दही बड़े डिनर के लिए। तो दही बड़े डिनर के लिए मतलब वो आप डिनर में कैसे ले सकते हो, उसके साथ मैं और कुछ बनाऊंगी, बस दही बड़े इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि प्रथम ने कहा है मम्मी एक बार दही बड़े बनाओ जो घर में अवेलेबल है, और उड़द की दाल का तो आप जानते हो राशन दुकान में ये सब मिल ही रहा है, जो वही मतलब हम ले सकते हैं जो राशन में मिल रहा है, यानी कि जो दुकानें खुली है, जो दुकान मिल रही है वही सब ले सकते हैं हम लोग, और एक्स्ट्रा कुछ खरीद नहीं सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद है। और एक बात गाइस, तो कल आप लोगों ने दिए जलाए, मैंने भी जलाए, कैंडल्स जलाई हूँ मैं, और हम एक ऐसा लगा ना कि सही में उम्मीद जागी है कि हम सब फिर से एक मतलब एक रोशनी की ओर जा रहे हैं, एक शक्ति एक ताकत मतलब आई, मुझे ऐसा एहसास हुआ गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से हम लोग पहले जैसा हो जाए, क्योंकि 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 किसी ने ऐसा देखा ही नहीं है कि ऐसा होगा। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी दही बड़े अभी, तो वही मैं आप लोग शेयर करती हूँ उसके साथ, और डिनर में मैं क्या कुछ अरेंज करूँ क्योंकि चने मैंने फुला के रखे हैं, तो हो सकता है रोटी के साथ वो भी बना लूँ अगर आज का, क्योंकि देखो फ्रेंड्स अभी जो है ना ब्लॉग बहुत ही सिंपल हो पा रहा है क्योंकि ना हम कुछ खरीद के दिखा सकते हैं, ना ऑनलाइन कुछ हम लोग परचेस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, अभी बस हम लोगों को
बस आप लोगों के साथ बस कांटेक्ट में रहना है, आप लोगों के साथ बात करना है। और इससे क्या है, अगर आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे इस चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा दही और चीनी। देखो गाइस, ये चीनी मैंने इसलिए डाला कि इसको फेंटना है मुझे, और दही को मैं बिल्कुल खट्टा नहीं देगा इसमें। दही बड़े में खट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर टेस्ट होना चाहिए तो चीनी ज़रूरी है। तो मैं इसको अभी ग्राइंड करूँगी। सो गाइस, ये दही को मैंने चीनी के साथ अच्छे से फेंट लिया है, और यहाँ पे जो उड़द की दाल है इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो पानी है, और वहाँ कढ़ाई मैंने बैठा के रखा है। ये रहा कढ़ाई, यहाँ पे तेल गरम हो रहे हैं। बस दही को, सॉरी, बड़े को अच्छे से मुझे इसमें डीप फ्राई करना है, और डीप फ्राई करने के बाद और यहाँ पानी में, और ये ठंडा पानी है, डालना है। फिर रेडी हो जाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इस कढ़ाई में बन रहा है प्रथम के लिए मैगी। मैगी तैयार है प्रथम, ये नाओ। जी मम्मी दे दीजिए। खट्टी मीठी जो चटनी है बस इसको डालना बाकी है, इसे मैं डाल दूंगी, अच्छे से सजा दूंगी। हम लोगों का तीनों का प्लेट रेडी है। ये रहा, ओहो, देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, कब खाऊंगी। एंड ये जो मैंने जीरा और लाल मिर्ची की जो रोस्ट किया है ये उसमें डाल दूंगी। सिंपल सा बनाई हूँ, बट रियली मैं कहूँगी कि बहुत टेस्टी बनी है। तो ऐसा आप लोग भी बनाना और घर पे इंजॉय करना, घर पे ही रहना, सेफ रहना, और फूड को इंजॉय करना, और अगर ज़रूरतमंद कोई भी है तो उसे भी खाना खिलाना। ये रहा दही बड़े, और ये हो गई उसके साथ, ये मैंने जो काला चना, लाल चना जो भी है, आप देखो मैंने धनिया पत्ता और हरी मिर्ची की गार्निशिंग की है, अच्छी लग रही है ना देखने में। और रोटी के साथ ये भी डिनर में जाएगा। सो गाइस, एंजॉय दिस डिनर, बाय बाय।